ब्रज में बंसी भट्ट में एक संत थे। अब वो संत जो है बंसी भट्ट पे वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक उनके पास कंघा है और कंघा में दो तीन दांत हैं, और एक उनके पास शीशा है बिल्कुल टूटा सा, छोटा सा। ऐसा शीशा टूट जाता है तो उसका कुछ हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वैसा। और बाल उनके इतने मैले हो रहे हैं कि कोई उन्होंने 3-4 महीने से न धोए हों, बिल्कुल मिट्टी लग के और तेल लग लग के एकदम जटा जैसे हो रहे हैं। पर वो महात्मा बार बार क्या करते हैं कि बार बार उस टूटे शीशे को उठाते हैं और वो दांत, वो कंघा जो है जिसमें दो तीन दांते हैं, उनसे बार बार अपने बाल काटते हैं, शीशे को रख देते हैं और फिर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर एक क्षण बाद रोने लग जाते हैं, आंसू झड़ने लगते हैं, रुदन ऐसा, विलाप ऐसा कि कई बार तो सर पटकने लग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में आंसू को पहुंचा, फिर शीशा लिया और बाल काढ़े और सुंदर बन गए। ऐसा वो बहुत करते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 2-4 साल पुरानी बात होगी। तो उनसे पूछा कि आप ये बार बार टूटे शीशे में मुंह देखते हो, टूटे हुए कंघे से बाल काटते हो, दो क्षण बैठते हो और फिर रुदन करने लग जाते हो, फिर रुदन से शांत हो जाते हो और फिर अपना दर्पण लेते हो, टूटा कंघा ले लेते हो, फिर प्रारंभ हो जाते हो। बोले ऐसा है कि ठाकुर जी आते होंगे मुझे देखने और उन्होंने मुझे देखा कि मैं गंदा हूं और बाल कड़े नहीं है और मैं रो रहा हूं तो कितने दुखी होंगे। और जब मैं ये सब कर लेता हूं और ठाकुर जी नहीं आते हैं तो मैं रोने लग जाता हूं, और जब रोने लग जाता हूं तो थोड़ी देर में फिर मुझे भान आता है कहीं मैं रो रहा हूं, इसी बीच में ठाकुर जी आ गए और उन्होंने मुझे रोता हुआ देख लिया और मेरी ऐसी बुरी सी सूरत देख ली, बाल कड़े नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, तो वो बड़े दुखी होंगे। ये जो संत महात्माओं के बड़े बड़े तिलक हैं, रंग बिरंगे, लाल काले सफेद, ये श्रृंगार है अपने इष्ट को रिझाने का। ये नित्य करते हैं, कई लोग दिन में कई बार करते हैं। गोपांगनाएं भी कृष्ण को रिझाने के लिए श्रृंगार करती थी, उसमें स्वयं को सजाने का भाव नहीं है, अपने इष्ट के लिए तैयारी करने का भाव है। राजा जनक आज अपने कक्ष में शयन कर रहे हैं। राजा जनक शयन कर रहे हैं और शयन करते करते उन्होंने एक स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं भिक्षुक हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरीके से मैं भिखारी हो गया हूं और भिक्षुक बनके मैं भिक्षाटन के लिए चला जा रहा हूं। और भिक्षाटन के लिए भी जब गए हैं तो उन्हें कुछ भिक्षा नहीं मिली, सबने उन्हें धुतकारा, कोई भिक्षा नहीं उनके लिए। और जब भिक्षा मिली भी तो एक कई घरों में गए, भिक्षा मांगी लेकिन नहीं मिली। मैं जब किसी को उन पे तरस आया और उन्हें भिक्षा दी तो एक छोटे से टूटे से मृद भाण में मटका, छोटा सा मिट्टी का टूट जाता है तो चुपात्र बचता है जिसे खीपड़ा कहते हैं, उसमें चावल दे दिए। और वो चावल भी कैसे हैं कि उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े कुल बुला रहे हैं। जनक को वो हाथ में लिया, भूख इतनी ज्यादा थी, अनेक दिनों से भोजन नहीं किया था, कोई वस्त्र भी नहीं थे, स्वप्न में वो देख रहे हैं और वो
फिर जब उस कीड़े पड़े हुए उस छोटे से टूटे हुए पात्र में मृत भाण में लेके उसे अन्न को लेके आगे गए तो थोड़ी दूरी पे एकदम उनके ऊपर ऐसा आवेश आया कि बगल से कोई निकला और उनके हाथ से वो छूट गया और वो टूट गया। जो गिरा उसे कोई कुत्ता आया और खाके चला गया। तो जनक जो अपने शयन कक्ष में अपने सिंहासन पर लेटे हुए हैं उन्होंने अपने माथे पर ऐसे हाथ मारा तो हाथ लगा सिरहाने से, बोले हाय दुर्भाग्य, ये स्वप्न में बोले। तो जैसे ही हाथ उनका वहां लगा तो उनकी निद्रा टूट गई, वो उठ खड़े हुए। अब वो बैठ के वहां ये देख रहे हैं, पसीने में लथपथ हो गए हैं। किसी अनुचर ने देखा कि राजा तो परेशान है, पसीने में नहा रहा है। वैद्य को बुलाया, वैद्यों ने उनका निरीक्षण किया, सभी चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा मैं स्वस्थ हूं, लेकिन राजा जनक ये सोच रहे हैं क्योंकि अभी अभी वो ऐसा भयानक स्वप्न देखा था जिससे पसीना आ गया उनको रात्रि में। तो वो अब अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि वो सपना सच्चा था या अब मैं सिंहासन पर बैठा हूं ये सत्य है। सत्य क्या था, वो जो सपने में देखा वो सच था या अब मैं अपने कक्ष में राजा बना बैठा हूं ये सत्य है, या ये सपना है और वो सत्य था। इसके प्रश्न के उत्तर के लिए वो व्याकुल हो पड़े। तो उधर एक बालक मां के गर्भ से, वो अपनी मां के गर्भ में था उस समय, उसके पिता अपनी मां के पास बैठ के कुछ पुस्तक पढ़ रहे थे, कुछ श्लोक पढ़ रहे थे। तो वो मां के गर्भ में से बोला कि पिताजी आप जो श्लोक पढ़ रहे हो वो सही नहीं पढ़ रहे हो, आपका उच्चारण गलत है। पिता को बड़ा क्रोध आया, पिता ने एक बार सुन लिया कि अभी तो ये पैदा नहीं हुआ है, अभी तो ये अंदर है और मेरी गलती पकड़ रहा है। एक बार पिता ने माफ कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन वो दोबारा बोला कि पिताजी आप जो श्लोक पढ़ रहे हो, आप जो पठन कर रहे हो वो गलत पढ़ रहे हो। पिता को बड़ा क्रोध आया कि अभी ये पैदा नहीं हुआ है, मां के गर्भ के अंदर है, वहां से मेरी त्रुटि पकड़ रहा है। उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू अष्टावक्र हो जा, जगह जगह से तू टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा, तू बहुत ज्यादा गलतियां निकालता है। वो बालक अष्टावक्र पैदा हुआ, बड़ा ज्ञानी। जनक उसके पास गए पूछने कि गुरुदेव मैंने एक स्वप्न ऐसा देखा कि मैं भिक्षुक हो गया, मैं नग्न हो गया, मेरे पास वस्त्र नहीं थे, खाने के लिए कुछ आहार नहीं था। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो मैंने सोते समय देखा वो स्वप्न था या जो मैं जागृत अवस्था में देख रहा हूं ये स्वप्न है।